यही लग रही है यार मुझे। अरे नहीं, ये किसी काम से जा रही है। अरे नहीं यार, देख जोमेटो से ऑर्डर किया था यार मैंने यार, ये लेडीज बच्चे को साथ लेके आ रही है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ यार, बता यार, मतलब तुम्हें दिखाई इधर, मतलब यार बच्चे के साथ इस तरीके से, मतलब यार बच्चा भी है, कितना स्ट्रगल है, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल है यार भाई, कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी मेरे हिसाब से तो। क्या कहते हो साकी, पकड़ ले पकड़ ले यार, हेल्प कर दे दीदी की, हेल्प कर दे। आप पिज्जा लेके आओ क्या? आप साइड में लगा दो, साइड में लगा दो, साइड में लगा। अरे साकी बच्चे को उठा ले, उठा ले, कोई दिक्कत नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल गाड़ी आ रही है, साइड में लगा दो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, यही यही साइड में लगा दो। आप ही ले गए हो पिज्जा? या पिज्जा में काम करते हो आप, पिज्जा डिलीवरी में? जी भैया। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, मतलब आप बच्चों को घर पे छोड़ के आना चाहिए था आपको। भैया घर पे कोई है नहीं मेरे। अच्छा, आराम से आराम से आराम से। ये भैया आपका पिज्जा। तो दो मिनट आपसे बात कर सकता हूँ मैं? जी भैया। ये आपका बच्चा है? हाँ जी। तो ये मतलब आप इस तरीके से साइकिल पे डिलीवरी कर रहे हो, और मतलब जान सकते हो ऐसा क्या हुआ आपके साथ? भैया वो पर्सनल है ना, फिर अब पर्सनल में नहीं, क्या देखो, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ थोड़ा सा, आप बता दो। मैं मतलब कि मैं काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छा। जो है दारू पी के ना किसी के साथ, मतलब कि लड़ाई झगड़े में ना, हाँ उनको जेल हो गई, किसी को मार दिया था। अच्छा, और गाँव से हूँ फिर मैं। अच्छा, गांव कहाँ से हो आप? बिहार से। अच्छा बिहार से हो। हाँ। अच्छा तो यहाँ पर दिल्ली में कैसे? दिल्ली में शादी करके आई थी। अच्छा, काम धंधा अच्छा चल रहा था। अच्छा, बस इसके पापा को पीने का वो था, पीते हुए झगड़ा कर लिया किसी से, उसी में हाथापाई में वो मर गया। अच्छा, अब वो जेल में है। अब वो जेल में कमाना पड़ता है इसके लिए। तो आपके मतलब सास ससुर कुछ नहीं करते? अच्छा, मतलब सब सब गांव में फिर। हाँ। तो काफी मुश्किल होता होगा ना, मतलब दिक्कत तो होती है, लेकिन कमाना कमाएंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से मैं, खाना भी तो जरूरी है ना फिर हम लोग, और इसके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो आप गांव चले जाइए, तो फिर ये अकेले पड़ जाएंगे, जाती हूँ उनके पास भी मैं। अच्छा, वहाँ भी जाते रहना पड़ता आपको। बच्चा बच्चा कितना क्यूट सा है, रो रहा है। मिलने के लिए जाते हैं उनसे जेल में? हाँ जी। नहीं अभी नहीं, अभी 6-7 महीने या साल भी लग सकता है, अभी तो तारीख पड़ रही है। अच्छा, मतलब तारीख मिल रही है अभी, तो आप जाके मिल सकते हो, मतलब काफी स्ट्रगल होता हो। तो आपके सास ससुर कुछ या फिर आपके जेठ वगैरह तो होंगे? देवर मदद नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा आपके लिए? नहीं आ रहे हैं सास वास मेरी, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से जोमैटो में काम करते हैं। तुम जम जाओ और वो तुम लोग जानो अपने घर, अपना घर खुद संभालो, हमारे बस की नहीं है। ये तो गलत बात है, इस तरीके से आपको दिल्ली में छोड़ दिया, और इस मतलब दिल्ली में वही रह सकता है जो है, पैसा नहीं है, क्या करूँ, किसी के आगे रो भी नहीं सकते ना बोल सकते, सब ऐसे धक्के मार देते, तेरे आदमी ने ये किया, तेरे आदमी ने वो किया, वो तो मर्डर के केस में अंदर है, तू जैसे मर्जी, जल्दी कोई काम पे भी नहीं रखता, झूठ बोल देते हैं काम पे रखता है। बाबू रो मत प्लीज, भूख भूख लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ खिला दो इसे। मैं साइड में लेके इसको जाते हैं, मैं आपकी डिलीवरी देर हो रही थी ना। हाँ, इसलिए मैंने कहा पहले आपको, थोड़ा लेट भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परेशान हो रहे थे लेकिन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अभी इसे छोटी काफी से घर पे रखो, क्योंकि अभी गर्मी होना चालू हो गई है। कोई भी नहीं है दीदी। अगर भैया कोई, अगर मेरे लायक कोई नौकरी हो तो आप बता देना। मैं नौकरी तो बता दूंगा, लेकिन आप इस तरीके से साइकिल पे, दोस्तों देख सकते हो ये साइकिल है, कहीं पर कोई गड्ढा वगैरह आ जाए और ये गिर गिर आ जाए तो मतलब कितनी कितनी चोट ले। अच्छा बांध ले तो आप पेट पे, ये आगे की साइड, इसको आगे की। अच्छा इस आगे की तरफ कर लो, पेट पे पीछे बांध लेते हो? अच्छा, मतलब फिर तो काफी मुश्किल हो रहा होगा ना, मतलब जिंदगी दिक्कत तो ये भी है ना कि भाई इसकी, इसको मैं किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, कोई भी नहीं है। अच्छा कोई भी नहीं, दीदी आप रोइए मत, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके प्रॉब्लम, और बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ मदद के लिए आगे नहीं है। कुछ ऐसा काम करिए जिसमें कोई खतरा ना हो। आप देख रहे हैं चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी स्पीड में आ रही है, आप साइकिल ले करके बीच में इस तरीके से, तो मेरी बच्ची जो है इनके इनके चक्कर में हम दोनों बर्बाद हो गए। दीदी दीदी आप रोइए मत प्लीज़, ठीक है, आपको कोई जॉब होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी ये बताइए ये कितने हो गए पिज़्ज़ा के आपके? ये 250।
250। दीदी आप रोइए मत, आप रोइए मत, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और कितने 250 हो गए आपके? जी भैया खुले पैसे नहीं है मेरे पास। खुले नहीं है, कितने हैं आपके पास? मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं बैग में। अच्छा रुकिए, बैग में उतारिए, बैग में उतारिए, ठीक है। आप एक काम करिए, 500 रखिए, ठीक है। श्याम भाई कुछ और दे दो यार। कोई देखो, आप मेहनत कर रहे हो तभी हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दीदी सुनिए, बस मेहनत का ही कमाई है, ये सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई है, जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये आप बच्चे को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो ये हर किसी से होता नहीं है, लोग आत्महत्या तक की सोच लेते हैं, ठीक है। जिस क्या बीत रहे हो उस इंसान के ऊपर जिसका पति जेल में हो, सोचा तो मैंने भी आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या के लिए मैंने भी सोचा, नन्ही सी जान का इसका क्या कसूर है। बिल्कुल सही सोचा आपने दीदी, बिल्कुल सही सोचा, सोचा, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो आप एक काम करिए, ये पैसे रखिए, ठीक है, लीजिए। आया है ना मेहनत करने का, और हर माँ को सीख देगा। गाइस वीडियो ऐसे ऐसे शेयर करनी है, और मैं बता दूँ दीदी, हम लोग वीडियो बना रहे थे, एकदम से आप आ गए। और दूसरी चीज, ऐसा कोई आपका मजाक उड़ाना है, खिल्ली उड़ाना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें, जो एक्चुअल में नीडेड है, जिसे नीड है उस बंदे की या उस पर्सन की हेल्प करें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हो, सही बात है। अगर सफल, अगर आगे बढ़ना है तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, सही बात है। गाइज आप देख सकते हो, ऐसे ही माँ को योद्धा नहीं कहा जाता, माँ एक हर मुसीबत से लड़ सकती है, ठीक है। माँ को ऐसे ही मतलब अपने बच्चे के लिए कभी भी खड़ी रह सकती है, ठीक है। दुनिया में आने मुसीबत हो, जैसा भी हो, मेरे को आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के लिए इंसान कोई भी माँ खड़ी हो जाएगी जब उसको दुख में नहीं देख सकती, भले दुख में रह सकते लेकिन देख नहीं सकती। अच्छा लगा आपसे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। आप ध्यान से आइएगा, और ये कुछ पैसे हो रहे हैं, नहीं रखिए, ठीक है, आप बड़ा भाई समझ के रखिए, ठीक है। हम आपको और देते हैं, आपके काम की, ठीक है, आपके काम की वजह से इतना अच्छा लगा, मेरे बहुत बड़ी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आप अपना नंबर वगैरह बताइए ताकि मोबाइल दूँ। लीजिए नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है। कभी भी किसी तरह की दिक्कत होना दीदी, बस एक बार याद कर लेना, बस एक बार आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया। सोनिया, ठीक है। सोनिया जी, आपको किसी चीज़ की जो है ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिएगा एज ए बड़ा भाई, ठीक है। और बाकी आप ये पैसे रखिए और आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद दीदी आपका, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर आदमी आप जैसा मिल जाए, भाई बन जाए, मिल जाए, तो हमें बहुत मतलब कि सबकी हेल्प हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ध्यान से आइएगा, ठीक है। साकी मैंने कहा साइकिल निकलवा दी रोड पे, मैं निकाल देता हूँ। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ लो, हाँ अभी मम्मी बांध देगी ना, ठीक है, जो बैग आगे कर लो। ऐसे पकड़ के रह लेती है, हाँ हाँ, आपकी तरह बच्ची भी आपकी बहुत समझदार है। अच्छा भैया, जरूर जरूर, ठीक है, ठीक है, ध्यान से आइएगा, ठीक है, ये स्टैंड ऊपर कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से आइएगा। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ गाइस, किस तरीके से मतलब ये माँ इस तरीके से देख रहा हूँ, किस तरीके कितना स्ट्रगल हो रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। गाइस ऐसे लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, और जहाँ भी दिखे कोई एक्चुअल में जिससे नीड हो उसकी हेल्प को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कि भाई मेरा तो यार पिज़्ज़ा भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा भाई, घर चलाओ।